सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अनुसूचित जाति संगठन ने FIR दर्ज करने को लेकर आज कोतवाली का घेराव किया। जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने FIR की मांग को लेकर एक घंटे तक कोतवाली परिसर का घेराव किया। गौरतलब है कि प्रदीप मिश्रा ने नर्मदापुरम में कथा वाचन के दौरान गाय गाने में संविधान बदलने की मांग रखी। संविधान बदलने की प्रदीप मिश्रा की इस मांग पर अनुसूचित जाति संगठन और भीम आर्मी ने कड़ा ऐतराज जताया और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी। भीम आर्मी समर्थन कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके विरोध में प्रदीप मिश्रा समर्थकों ने FIR दर्ज कर गिरफ्तार करवा दिया। अब भीम आर्मी और बहुजन समाज व अनुसूचित जाति संगठनों के कार्यकर्ताओं आज प्रदीप मिश्रा के खिलाफ FIR की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया। आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों देखिए सर, अभी हमारे सीहोर के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है एक पंडित, आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने संविधान को लेकर अपने गाने में संविधान को बदलने की जो बात कही है उससे हमें बहुत क्षति पहुंची है। हमारे जो बहुजन समाज और जो देश का पूरा बहुजन, पूरा जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको दिल पर बहुत ही आघात हुआ है, क्योंकि ये जो देश है संविधान से चलता है, ना कि किसी संप्रदाय या किसी धार्मिक ग्रंथों से। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी, आप अगर धर्म प्रचारक है तो आप केवल धर्म का प्रचार कीजिए, ना कि संविधान के बारे में कोई छेड़छाड़ करने का काम करिए, ना ही वहाँ पर जो बैठे आपकी जो कथा सुनने वाले जो लोग हैं, जो आपसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि धर्म का प्रचार हो प्रसार हो, लेकिन आप संविधान को बीच में ना लाइए। आप कथा वाचा के आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन संविधान के साथ अगर आपने किसी भी प्रकार के कुछ भी अपशब्द बोले या कुछ भी कुछ कहा, तो हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर कोतवाली के साथ साथ SP ऑफिस, कमिश्नरी और यहाँ तक कि हम राजधानी तक का घेराव करेंगे। और हम चाहते हैं कोई भी भविष्य में इस तरह से कोई भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई वक्तव्य ना दे, नहीं तो इसका परिणाम पूरे जितने भी देशद्रोही लोग हैं उनको सभी को भुगतना पड़ेगा। आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने घेराव वापस ले लिया। सीहोर से कवि छोकर की रिपोर्ट।